ಬಂಧುಗಳೇ ಇದೀಗ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಶುಭಾರಿಕೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಐ ನೌ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ದ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಇಸ್ ಇನಾಗುರಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸರ್ आज के गुरु वंदना और 110वां जन्मदिन परम पूज्य पद्म भूषण कर्नाटक रत्न डॉक्टर श्री श्री शिव कुमार महाराज जी का 110वां जन्मदिन पर यहाँ उपस्थित हुए परम पूज्य श्री श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी जी आदरणीय श्री श्री सिद्धेश्वर महास्वामी जी आदरणीय श्री श्री सिद्धलिंग महास्वामी जी देवियों सज्जनों और मीडिया को मीडिया के मित्रों सबसे पहले मैं परम पूज्य स्वामी श्री शिव कुमार महास्वामी जी को अपनी ओर से कर्नाटक की प्रजा की ओर से और आप सब की ओर से 110वां जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामना देते हैं हम नमन करते हैं नमस्कार करते हैं और वंदना करते हैं मित्रों इस देश में जो अपनी संस्कृति हम भूल गए हैं अपनी जीवन जीने की पद्धति हम भूल गए हैं और अपनी संस्कृति उसका सबसे अच्छी तरीके से जो एक किताब और पुस्तक है वो सब पुस्तक संस्कृत में ही है और संस्कृत का हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अपनी संस्कृति के मुताबिक जीवन जीने के लिए हम परोपकारीमय दूसरों के लिए जीवन जीने के लिए हमको उसमें से प्रेरणा मिलेगी। इस देश में मुगल सल्तनत आई अंग्रेज सल्तनत आई करीब 400 और 500 साल तक इस देश में विदेशियों का शासन रहा और 500 साल में हम हमारा पुराना जो अभ्यास क्रम थे वो अभ्यास क्रम हम भूल गए हैं। कोई भी स्कूल में हम जाते थे पहले वो क्लास में ही लिखता था एक एक सेंटेंस लिखता था सा विद्या या विमुक्तये विद्या जो हमको विमुक्ति पाते ऐसी विद्या हम प्राप्त करते हैं मगर उसी समय वो संस्कृत का हरेक भाषा पर प्रभुत्व था। सारे हिंदुस्तान में एक जो कोई भी कॉमन लैंग्वेज हो तो वो संस्कृत था और आज जो स्वामी जी अपना समस्त जीवन संस्कृत में विद्यार्थियों को संस्कृत नहीं सिखाते विद्यार्थियों को वो संस्कृति भारतीय संस्कृति के मुताबिक जीवन जीने का सिखाता है। कहीं मैं कहूंगा यहां बैठे हुए सब जो भगवा कपड़ाधारी है वो सब गुरु है कोई ना कोई छोटा मोटा काम करता है मगर उन्होंने सन्यास क्यों लिया कि उसको घर पे खाना नहीं मिलता था उसका परिवार ने उसी को निकाल दिया घर से कि तुम चले जाओ हमारा तुम्हारा कोई काम नहीं है ऐसा नहीं है वो उन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित किया। यहां बैठे हुए मैं और आप सबके लिए हम हमारी जिंदगी में अच्छी तरह से जी सके संस्कारिता से जी सके ऐसा उपदेश देने के लिए ये सभी लोगों ने वो भगवा कपड़ा धारण किया है।
आज जो कई बार पेपर में आता है, टीवी में आता है, भगवा करण छोड़ दो, सेफ्रोनिज्म को निकाल देने की बात कहेंगे, मैं कहूंगा यहां बैठे हुए सब स्वामी और डायज पर बैठे हुए सब स्वामी उन्होंने भगवा कपड़ा धारण किया न, उसका कार्य क्या है कि हिंदुस्तान का एक एक बच्चे को संस्कारिता से सबर करे। इस देश में धनवानों की पूजा नहीं होती, गुणवानों की पूजा होती है, गुणवानों का आदर होता है, और गुणवान वो सब बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में बनते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको संस्कारितामय जीवन की बात नहीं मिलती। उसको माता का क्या फैक्टर है, पिता का क्या फैक्टर है, गुरु का क्या फैक्टर है, क्या काम है, वो कुछ नहीं समझ पाते कॉन्वेंट वाले। और यहाँ जो संस्कृति में पढ़े हुए हैं ने, वो विद्यार्थी होगा सुबह में कई फुट उठते समय, सुबह में यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, मगर सुबह में उठते हुए वो बोलते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव। माता पिता और गुरु का स्थान सबसे बड़ा उन्हें जीवन में होता है। हमारी संस्कृति में कहा है गुरु कैसा होता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। जो ब्रह्मा जैसा गुरु होना चाहिए, विष्णु जैसा गुरु होना चाहिए, महेश्वर जैसा गुरु होना चाहिए, तो हमारा गुरु, हमारा भगवान हमारा गुरु है। हम भगवान के जीवन में से कौन सा सिद्धांत हमको स्वीकृत करना पड़ेगा, करना चाहिए, वो हमको गुरुदेव पढ़ाते हैं। और आदरणीय श्री कुमार जी ने करीब 90 साल से ज्यादा साल तक और आप लोगों के लिए और मेरा मेरे लिए भी जीवन जीने की व्यवस्था उन्होंने किया है। उन्होंने सारी जिंदगी दे दी और मैं तो कहूंगा आज उसकी सिर्फ 110 साल हुई। हम कहते हैं हमारे सभी लोगों में से भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जिंदगी में से कई दिनों कम करके ये गुरुदेव को अच्छी तरह से ज्यादा जिंदगी मिले, ऐसा हम आशीर्वाद दो। मित्रों, जिंदगी में काम करने वाले ताकतवान लोग कम होते हैं, और इस देश की संस्कृति गुरु कैसा गुरु ज्ञान देता है और गुरु मर्दानगी का पाठ भी सिखाता है। पंजाब में कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, जब मैं बाज से तितली को लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। तितली छोटी होती है, बाज पक्षी बड़ा होता है, मगर हम तितली में इतनी ताकत डालेंगे वो हिम्मत से बाज के साथ भी लड़ाई लड़ सके। मित्रों, यह स्वामी जी ने हमारी संस्कृति में भी कहा है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। हमारी जिंदगी में हमको मर्दानगी से रहना चाहिए, और मर्दानगी से वही लोग रहते हैं जिसका कैरेक्टर शुद्ध हो। जिसका कैरेक्टर शुद्ध हो वही मर्दानगी से रहते हैं, और ये मर्दानगी के रहने के लिए, कैरेक्टर की शुद्धिकरण करने के लिए वो स्वामी जी का आशीर्वाद चाहिए और स्वामी जी की कृपा दृष्टि भी चाहिए। आज देश में कई लोग होते हैं, हम कहते हैं कि जब से इस देश में राजदंड पर धर्मदंड का आधिपत्य कम हो गया है, इसी की वजह से इस देश में सब लोग वो वीकनेस महसूस करते हैं। और धर्मदंड इसीलिए कहते थे पहले राजा के जमाने में, वो राजा जो अपना गुरु था, राज्य गुरु था, राज में जो उसका गुरु था, वो गुरु के मुताबिक काम करते थे और पब्लिक को जीवन जीने में सेटिस्फेक्शन भी मिलता था। मैं ये कहूंगा ये पद्धति आज तक खत्म हो गई थी, वो खत्म हुई पद्धति आज इस देश में गुरु वंदना से शुरू होती है। मैं कहूंगा ये भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार करने के लिए
इस देश में कई साधु संतों ने जिस तरह से लड़ाई में सहस्त्र लेकर वो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी व्यतीत की थी, इसी तरह से आज साधु संतों भी पॉलिटिक्स में ज्ञान देते हैं। वो एक्चुअली इंटर नहीं होते पर उसको ज्ञान देते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए कौन सा काम नहीं करना चाहिए। मैं कहूंगा यहां बैठे हुए गुरु भगवंतों उसी का एक एक वाक्य सुनेंगे तो अपन को जीवन जीने की पद्धति मिलेगी। मैं कहूंगा गुरु का काम सिर्फ ज्ञान देने का नहीं है, वो ज्ञान को कर्म में परिवर्तित होना चाहिए, ऐसी बात करते हैं। गीता में कहा है ने कर्म भी किस तरह से करना, कर्मण्य वादे कारस्ते महाफलेषु कदाचन, ये व्यक्ति तुम ऐसा कार्य करो कि कार्य में सफलता मिलने के बाद अपने मन में अभिमान ना आए, इसी तरह से तुम काम करो। ये बोध कौन देता है? कोई इंग्लिश सेंटेंस में लिखा है? ये भगवान कृष्ण ने हम सबको दिया है। कर्म ही वर्क इज वर्शिप, वो जो इंग्लैंड वाले आज बोल रहे हैं ने, तो हम तो पहले से ही कहते थे कर्म ही अपना धर्म है। तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान हो मगर कर्म में नहीं परिवर्तित होता वो ज्ञान क्या होता है। परम पूज्य शिव कुमार स्वामी जी को लगा कि इस देश में विद्यार्थी का कैरेक्टर निर्माण करने का है, तो उन्होंने आज से करीब 90 साल पहले संस्कृत विद्यालय से विद्यार्थी का जीवन सबर हिम्मतवान बने ऐसे नौजवान पैदा करने के लिए किया है। और आज हम देखते हैं ये संस्कृत का ज्ञान लेने वाला 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी इस क्षेत्र में इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ने वाला है ना वो समाज के लिए कभी लायबिलिटी नहीं होगी, वो समाज के लिए एसेट्स होगी। समाज का एसेट्स निर्माण करने के लिए, चरित्रवान लोगों का निर्माण करने के लिए ये गुरु भगवंतों ने अपने सारी जिंदगी राष्ट्र को समर्पित की है। इदम न ममा राष्ट्राय स्वाहा, ये मेरा नहीं है, मैं राष्ट्र को समर्पित करता हूं। वही भावना, वो त्यागमय भावना। आदमी का जीवन, तुम्हारा जीवन, तुम कितने धनवान हो उसी पर नहीं तुम्हारा कैरेक्टर की इज्जत होती है, तुम कितने गुणवान हो, तुम्हारे में कितनी संस्कारिता है, वो संस्कारिता ही अपनी एसेट से। वो संस्कारिता प्राप्त करने के लिए एक गुरु भगवंतों का विचार है, वो अपने जीवन में हमको दाखिल करना चाहिए। आप यहां बैठे हुए सभी लोगों को मैं कहूंगा कि आप कितने, आप और मैं कितने साल हमने जिए उसकी कोई गिनती करने की जरूरत नहीं है। मेरी उम्र 85 हो गई, मैं 90 हो गया, तुमने 90 होने की जरूरत नहीं है। तुमने क्या किया, जितने साल जिए उसमें तुमने क्या किया। स्वामी विवेकानंद की आयुष्य 39 ईयर्स की थी, 40 साल पर न कर सका, मगर उन्होंने 40 साल की कम उम्र में अपने राष्ट्र को बलवान बनाने के लिए उन्होंने कहा, युवाओं को कहा उत्तिष्ठ जागृत, और अपना ध्येय प्राप्त करने के लिए तब तक तुम लगे रहो। संत ज्ञानेश्वर हो, स्वामी विवेकानंद हो, जो जिन्होंने अपने जीवन में किस तरह से जीना वो सिखाया है, इसी तरह से आज यहां बैठे हुए और सामने बैठे हुए ये भगवा कपड़ा जिन्होंने पहना है वो सब गुरु कृपा से हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा हम कर सके। कोई भी राष्ट्र की संस्कृति नहीं होती वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता, सिर्फ एक मानव का टोला होता है, एक इकट्ठे हुए आदमी की संख्या होती है। और राष्ट्रीयता वो हमारी संस्कृति के मुताबिक राष्ट्रीयता तय करनी चाहिए।
मित्रों यहां बैठे हुए सभी को कहूंगा कि अपनी भारतीय संस्कृति जीवन जीने के लिए श्रेष्ठ संस्कृति है और उसी तरह से ही आप सबको और मुझे भी जीना चाहिए। मेरे में कितना ज्ञान है मगर जो ज्ञान कर्म में नहीं परिवर्तित होता तो ज्ञान का कुछ काम नहीं है। गरीब लोगों को रोटी देना चाहिए, भूखे को खिलाना चाहिए, वो ज्ञान है हमको, मगर हम क्या गरीब को खिलाते हैं, गरीब को मदद करते हैं? जो ज्ञान है वो कर्म में नहीं परिवर्तित होता तो ज्ञान का कोई उपयोग नहीं होता। हम कर्मशील बने और मैं कहूंगा कि अपनी जिंदगी में फालतू समय व्यतीत मत करो, किसी के पास जाकर गप्पा लगाओ, किसी की आलोचना कीजिए, किसी की तारीफ कीजिए। आलोचना करना बंद कर दो, तारीफ करना बंद कर दो। राष्ट्र में जो जरूरियात है वो जरूरियात के लिए ही अपन को काम करना चाहिए। जहां विद्या की भूख है, अज्ञानता है, ग्राम्य विस्तार में विद्यार्थियों, छात्रों और छात्राओं को पढ़ाने की जरूरत है तो उसको पढ़ाने के लिए कोशिश करो। वो भूखा है, भूखा है तो उसको खाने के लिए व्यवस्था कर दो। बेरोजगार है तो उसको रोजगारी दे दो। उसके जीवन की जो जरूरियात है वो हम पूर्ण कर दे। मित्रों यहां बैठे हुए सभी लोगों को निश्चय करना होगा कि हम जब तक जिएंगे तब तक हम हमारी राष्ट्र की रक्षा करेंगे, हम भारतीय संस्कृति की रक्षा करेंगे। हम कितने जिए वो महत्व की बात नहीं है, किस तरह से जीना है वो तय करना चाहिए। जिस तरह से ये गुरु भगवंत हमको उपदेश देता है तो हम भी ये कोशिश करें कि गुरु भगवंतों ने जो कहा है उसका स्वीकार करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हम सब मिलकर हम कार्य करेंगे और कार्य करने की सफलता में ये गुरु भगवंतों का हमको आशीर्वाद मिले और परम कृपाणु परमात्मा जी का भी हमको आशीर्वाद मिले, ऐसी शुभ भावना के साथ फिर से परम पूज्य श्री शिव कुमार स्वामी जी का 110वां जन्मदिन पर उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत नमन करते हैं, उसका आशीर्वाद हम स्वीकृत करते हैं। ऐसी बात के साथ मैं मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की। यार हिंदुस्तान में रहने वाले की आवाज इतनी कम होती है, अरे जिसकी आवाज में ताकत नहीं होगी तो उसके कलेजे में क्या ताकत होगी। मातृभूमि के लिए मरने वाले आदमी को याद करके वो मातृभूमि की जय जयकार बुलाना है। जो मातृभूमि की जय जयकार बुलाते हैं ना वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होता और सभी को सुखी भी करता है। जोर से बुलाना चाहिए मातृभूमि की जय जयकार। भारत माता की। और जोर से गुरुदेव का हमको आशीर्वाद मिले और भारतीय संस्कृति की हम रक्षा कर सके, ऐसे ताकतवान दिल के साथ हम हमारी आत्मा की आवाज मातृभूमि के लिए जोरदार करेंगे। फिर से एक बार बुलाता हूं, जोर से बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। I profusely thank His Excellency for his very valuable words and his inaugural address.